नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। निर्भया के दोषियों की फांसी का मामला इन दिनों देश की सुर्खियों में है, मगर आखिर ये फांसी होती कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए है इंदौर जिला जेल के पूर्व अधीक्षक रणजीत सिंह भाटी जी। भाटी साहब, आपका वेब दुनिया में स्वागत है। जी धन्यवाद सर। तो सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि आखिर ये फांसी की प्रक्रिया क्या है और किस तरह होती है ये? देखिए, फांसी की जो प्रक्रिया है ये ट्रायल कोर्ट जो होती है, सबसे पहले जहां बंदी का न्यायिक अपेक्षा में केस चलता है, तो वो सेशन ट्रायल कोर्ट द्वारा जब इनको फांसी की सजा दी जाती है, तो जब फांसी की सजा दी जाती है तो जेल अथॉरिटी का यह दायित्व हो जाता है कि वो उनकी अपील उससे उच्च न्यायालय में करें। जब उसकी अपील हाई कोर्ट में हम लोग करते हैं समय सीमा के अंदर, उसकी भी समय सीमा निर्धारित शासन के द्वारा, और जब हाई कोर्ट से भी उसकी जब फांसी बरकरार हो रहती है तो उसकी पुनः हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी फांसी अगर रह जाती है तो हम उस फांसी के उसकी दया याचिका राष्ट्रपति को भेजते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बंदी अपील खुद करे चाहे न करे, लेकिन शासन जेल विभाग उसकी अपील करता है। तो अगर हम देखें तो फांसी जब देने से पूर्व की तैयारियां किस तरह से होती हैं? ये फांसी की तैयारी का जो तरीका होता है, जब सुप्रीम कोर्ट से दया याचिका जब खारिज हो जाती है तो तारीख उस वक्त नहीं आती है, लेकिन हमें मालूम हो जाता है कि तारीख इसकी निश्चित होने वाली है, तो उसकी एक डमी होती है जेल के अंदर लकड़ी की बनी हुई, जिसका वजन 60 से 70 किलो के आसपास रहता है। उस डमी से हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं जहाँ फांसी का दी जाती है बंदी को, वो प्रक्रिया रहती है। और जब फांसी की तारीख आ जाती है तो उसकी जब तारीख और समय आ जाता है तो वो समय बड़ा क्रूशल रहता है, मतलब गोपनीय रहता है। जब डेथ वारंट जारी होता है ट्रायल कोर्ट से तो वो गोपनीय रहता है, वो हर जगह हर इंसान को बता नहीं चाहता, वो जेलर और जेल अधीक्षक की जानकारी में रहता है। भाटी साहब, एक चीज और है कि जो निर्भया वाला पूरा मामला है, इस मामले में जो फांसी के लिए देरी हो रही है उसमें जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो इसको लेके क्या सोचते हैं आप? नहीं, इसमें जेल प्रशासन का कटघरे में होने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने आपसे जैसा निवेदन किया कि हर चीज की एक निर्धारित अवधि होती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट से उसकी जब फांसी बरकरार रहती है तो जेल प्रशासन ही उसकी दया याचिका, ऐसा नहीं जैसा अभी हम लोग अभी देखने में और पढ़ने में आ रहा है कि एक बंदी ने दया याचिका भेजी दूसरे ने नहीं भेजी, वो चारों की एक साथ ही जाएगी दया याचिका, जहां तक मेरी जानकारी में और जो हमारे मध्य प्रदेश का जेल मैनुअल कहता है। नहीं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक की ही भेजी गई है, शायद वहां दिल्ली का कुछ नया कोई अलग नियम होगा, वहां उनके नियम के हिसाब से भेज रहे हैं। मेरे हिसाब से तो दया याचिका चारों के एक साथ ही जाना चाहिए। चूंकि मामला एक ही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या फांसी जैसे अगर एक को हुई तो एक को फांसी दे दी जाए और बाकी तीन को बाद में दे दी जाए? नहीं नहीं, फांसी का दिनांक और समय निर्धारित होता है, और फांसी चारों को यदि हर जेल में, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर सेंट्रल जेल और जबलपुर जेल में फांसी देने की व्यवस्था है, इंदौर सेंट्रल जेल में मात्र एक बंदी को एक टाइम में फांसी दी जाती है, लेकिन जबलपुर में दो बंदी को एक साथ फांसी दी जाती है। मैंने दिल्ली जेल की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि वहाँ कितने लोगों को एक साथ फांसी दी जाती है, लेकिन अगर दो लोगों को फांसी दी जाती है तो दो लोगों के बाद में दी जा सकती है कुछ समय पश्चात। नहीं भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए एक एक व्यक्ति की उनमें से दया याचिका खारिज हो चुकी है, वो गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। नहीं, एक की दया याचिका खारिज हो चुकी है तो मेरा मानना यह है क्या एक को फांसी दी जा सकती है एक व्यक्ति को? नहीं, फांसी तो चारों को एक साथ ही होगी, क्योंकि डिसीजन एक साथ हुआ है और डेथ वारंट भी जारी एक साथ ही हुआ है, तो फांसी तो चारों को मतलब एक ही दिन में होगी मेरे ख्याल, जहां तक मेरा सवाल है जानकारी में है। अब पहले एक बार डेथ वारंट जारी हुआ, फिर अब दूसरी बार डेथ वारंट जारी हुआ, हो सकता है तीसरी बार भी जारी करना पड़े, तो डेथ वारंट कितनी बार तक जारी करवा सकते हैं अपन? देखिए, वो न्यायालय की प्रक्रिया है, इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, वही बता पाएगी। जहां तक हमारी मेरी जो 39 साल जेल विभाग का अनुभव है, वो तो डेथ वारंट जारी होने के बाद तो बंदी को फांसी ही दी जाती है। अभी एक चीज और है कि भाई ऐसा माना जा रहा है कि अब 1 फरवरी को भी फांसी नहीं होना है, क्योंकि तीन जो लोग हैं उनमें से उनकी दया याचिकाएं अभी जाना बाकी है, तो आपको लगता है कि 1 फरवरी को फांसी हो सकती है, वो टल भी सकती है? नहीं, इस हिसाब से तो फांसी की सजा टलेगी, आगे बढ़ेगी,
क्योंकि चारों की दया याचिका एक का फैसला होना जरूरी है, क्योंकि सजा तो एक ही साथ हुई ना उनको, अलग अलग थोड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, आप दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।